हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रणव माहेश्वरी और आप मेरे साथ देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर वीडियोस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लास 11th में आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था। क्या था वो फोर्स, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। एफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, f इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। दिस इज f ग्रेविटेशनल, दिस इज f इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये क्लास 11th में पढ़ा था आपने ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आप इनके फॉर्मूले को देख के बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस का स्क्वायर। तो ये काफी कुछ एक जैसे दिखने वाले फॉर्मूले हैं, दीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में कोई सिमिलैरिटी होगी, है ना। देर मस्ट बी सम रिजेम्बलेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आज हम देखते हैं कि इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज हैं। हम लोग सिमिलैरिटीज भी सर्च करेंगे एंड हम लोग डिफरेंसेस भी सर्च करेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज पे जाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो सिमिलैरिटीज की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली सिमिलैरिटी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज्ड फोर्सेस। लॉन्ग रेंज फोर्सेस मतलब दूर से लग जाती है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस। दोनों बॉडीज को, या फिर आप अगर आप छोटे वाली क्लास के लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट। आप लोगों ने पहले से, है ना, हम लोग पहले से जानते हैं कि ये भी दूर से लग जाती है, दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट रिपेल हो जाते हैं, और ये भी दूर से लग जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी दूर से लग जाती है ऑन टू ऑब्जेक्ट्स। बोथ आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट में आए बिना ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल हो जाती हैं। देन बोथ फोर्सेस आर इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस। इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस का मतलब क्या है, दोनों ही डिस्टेंस जब बढ़ता है दोनों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वेदर दे आर चार्जेस और वेदर दे आर मासेस, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता है और एक्सपोनेंशियली कम होता है। बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर रिलेशन, बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। इनवर्स स्क्वायर रिलेशन का मतलब क्या है कि दोनों फोर्सेस, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये डिस्टेंस के साथ साथ कम होती हैं, वो भी स्क्वायर ऑफ, मतलब क्या, कैसे कम होती हैं, जैसे डिस्टेंस दो गुना हुआ तो फोर्स चार गुना कम हो जाती है, डिस्टेंस तीन गुना हुआ तो फोर्स नौ गुना कम हो जाती है, इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में कम हो जाती है फोर्सेस। तीसरा सिमिलैरिटी है इनके बीच में, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस इनके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी, जब हमने कूलम्स लॉ के बारे में बात की थी। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि जब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगती है, वेदर दे आर चार्जेस और वेदर दे आर मासेस, दोनों ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है, तो हमेशा फोर्स जो लगती है वो कैसे लगती है, वो इनके सेंटर टू सेंटर एप्लीकेबल होती है। सेंटर टू सेंटर का मतलब क्या है कि यहां से या तो इधर की तरफ एप्लीकेबल होगी या तो इधर की तरफ एप्लीकेबल होगी, वो इधर नहीं जा सकती, इधर नहीं जा सकती, इधर नहीं जा सकती, किसी और डायरेक्शन में नहीं जाएगी, या तो टूवर्ड्स या तो अवे, इन दो डायरेक्शन में ही लग सकती है, किसके, इन दोनों को सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में। बात समझ में आई। तो इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस कौन सी होती हैं, सेंट्रल फोर्सेस कौन सी होती हैं, सेंट्रल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो सेंटर टू सेंटर वाली लाइन ज्वाइन करने वाली एक्सिस पर एप्लीकेबल होती है। एम आई क्लियर, बात समझ में आ रही है। एक और, दे बोथ आर
कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है, दे बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब होता है कि अगर एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, एक जगह है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और एक जगह है जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, तो यहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, सपोज यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट मुझे लिफ्ट करके यहां से यहां लेकर जाना है, तो चाहे मैं यहां से यहां ऐसे लेकर आऊं, चाहे मैं इसको यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां इस तरीके से लेकर आऊं, चाहे मैं इसको यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां लेकर आऊं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां इस पाथ से लेकर आया हूं या इस पाथ से लेकर आया हूं या इस पाथ से लेकर आया हूं, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता. बस फर्क किस चीज का पड़ता है कि मैं इसको यहां से लेकर गया था और यहां तक लेकर गया था. सिर्फ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता. सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की पोजीशन मैटर करती है. वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो ये जो बोथ ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों ही कैसी फोर्सेस हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं. एम आई क्लियर, बात समझ में आई आपको? तो एक बार सिमिलैरिटीज फिर से देख लेते हैं. सिमिलैरिटीज में सबसे पहले हमने बात की कि बोथ फोर्सेस आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. दो ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं है ये दोनों फोर्सेस लगने के लिए. दूर दूर से भी ये फोर्सेस आप कर सकती हैं. बोथ फोर्सेस फॉलो इनवर्स स्क्वायर रिलेशन. इनवर्स स्क्वायर रिलेशन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड एक्सपोनेंशियली कम होता चला जाएगा. इनवर्स स्क्वायर रिलेशन. बोथ फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्सेज. सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन पर लगती हैं दोनों फोर्सेज. और लास्ट है बोथ फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज. कंजर्वेटिव फोर्सेज का मतलब क्या है कि ये फोर्सेज कैसे एप्लीकेबल होती हैं, जब एप्लीकेबल होती हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एज वेल एज द फाइनल पॉइंट. इट डज नॉट डिपेंड कि कहां से कैसे जा रहा है, सिर्फ पहला पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है इस चीज पे डिपेंड करता है. अंडरस्टूड, क्लियर, ओके. अब हम जरा नेक्स्ट उसको देखते हैं जिसका मतलब, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो खाली सिमिलैरिटीज होती तो फिर हम दो अलग अलग फोर्सेस क्यों लगाते, कुछ डिफरेंसेस भी तो होंगे दोनों चीजों के ऊपर. तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंसेस की बात करते हैं. सबसे पहले डिफरेंस की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स कैन ओनली बी अट्रैक्टिव. बात समझ में आई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कैसी भी हो सकती है. ये रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो Q1 और Q2 किस तरीके का है उस पर डिपेंड करती है, वेदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. वेयर एज अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो दो ऑब्जेक्ट के ऊपर मास है, सपोज M1 और M2, तो इट विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, इट डज नॉट रिपेल ईच अदर. ये हमेशा क्या करेंगी, ये हमेशा अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे को, ये रिपेल नहीं करेंगी. अंडरस्टूड, इज इट क्लियर? तो पहले डिफरेंस की अगर हम बात करें तो यहां पे लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बोथ, मैं इसको आपसे ईएफ लिख दूंगा, इज बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. Whereas gravitational force, इसको अब से GF लिख देंगे, is only attractive. Next,
यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यहां पे आप देख रहे हैं ये एप्साइलन नॉट आ रहा है, ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, चाहे आप अर्थ पे कहीं पे भी चले जाओ, चाहे आप मार्स पे चले जाओ, चाहे आप प्लूटो पे चले जाओ, चाहे आप किसी और सोलर सिस्टम में चले जाओ, चाहे आप किसी और गैलेक्सी में चले जाओ, लेकिन यहाँ पे ये जो एप्साइलन है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम. सो यहाँ पे दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड ऑन द मीडियम, वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच द चार्ज इज प्लेस्ड. Whereas gravitational force is independent of the medium in which the masses are placed. समझ में आई बात? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम. ये चाहे किसी भी मीडियम में दो मासेस रखे हो, हमेशा सेम रहती है. तीसरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज मच स्ट्रॉन्गर, बहुत ज्यादा पावरफुल होती है देन ग्रेविटेशनल फोर्स. ये इतनी, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछूं तो ये लगभग 1:10^36 टाइम्स होती है. इतनी ज्यादा पावरफुल होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्सेस इन नेचर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर. तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. इनका रेशियो 10^36 टाइम्स ज्यादा होता है. समझ में आई बात? जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. हम लोगों ने अभी क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कुछ मिलती जुलती हैं. हमने इनकी सिमिलैरिटीज़ देखी. सिमिलैरिटीज़ में हमने सबसे पहले देखा कि बोथ आर इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस, दोनों इनवर्स स्क्वायर रिलेशन को फॉलो करती हैं. बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, दोनों सेंट्रल फोर्सेज हैं, सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन करने वाली एक्सिस पर काम करती हैं. एंड हमने देखा कि बोथ फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर. कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? अगर हम इसमें वर्क डन करते हैं तो दोनों में पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन होता है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है. अगर हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो डिफरेंसेस क्या है? सबसे पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी ओनली अट्रैक्टिव. ये सिर्फ अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल नहीं कर सकता. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच द मासेस आर प्लेस्ड. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर, वेयर एज ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर वीकर. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. प्लीज लाइक माई वीडियो, प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आपको इस तरीके के छोटे वीडियोज और चाहिए तो. एंड प्लीज please please subscribe to my channel to get regular updates on my videos, and let me know that how much are you guys are understanding from my videos, aapko kitna samajh mein aa raha hai aur kitna improvement karne ki zarurat hai. Stay tuned for regular updates. Take care.